रही बाहर का अपडेट जो मैं कोशिश करती हूँ हर ब्लॉग पे आप लोगों के साथ शेयर करने की, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। Hey everyone, welcome back to the channel, और आप देख रहे हो पायल्स पैनोरमा। सुबह के करीबन, सुबह नहीं बोल सकते, 12:30 टाइम हो गया है, और एज यूजुअल हम लेट उठे हैं नींद से मॉर्निंग को। उसके बाद दोनों घर पे फोन करना, बातें करना, सबसे थोड़ी देर चाय पीना सब हो गया है। अभी ब्रेकफास्ट भी हल्का पतला हो गया है, अब लंच की प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन आज लंच में हम चावल नहीं खा रहे, हम आज खाएंगे नूडल्स, मन हुआ ऐसे ही इसलिए खाएंगे। और आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मेरे घर में, मेरे जो मायके में बहुत ही अच्छी तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो सासुमा, मतलब मेरे पापा के ग्रैंड मदर, उन्होंने वृंदावन से गोपाल जी को हमारे घर पे लाए थे, और अभी तक उनका पूजा होता है। और फिलहाल मम्मी और मेरी बाकी सारी चाचियाँ मिलके, मेरी भाभी है, मेरी जो भैया की बेटी है, सब मिलके बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं मिस तो करती हूँ, क्योंकि शादी से पहले तक मैं जन्माष्टमी वहीं पे ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। शादी के बाद मैं कभी रह नहीं पाई जन्माष्टमी के टाइम पे घर पे, तो इसलिए मिस हो जाता है। लेकिन सब कुछ बहुत बहुत सारा यादें उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ना, मतलब घर पे कोई भी फेस्टिवल हो उसके साथ आपकी यादें जुड़ी होंगी, यही तो है, मतलब यही स्वाभाविक है। जन्माष्टमी स्पेशल एक डांस वीडियो पब्लिश मैंने कर दिया है, आज सुबह ही किया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, ज़रूर देख लेना। और कैसा हुआ है मेरा ड्रेसिंग, कैसा हुआ है मेरा डांस, कैसा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर बताना। आई नो कि कुछ खामियां हैं, लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आई विल रियली इम्प्रूव, आई थिंक आई कैन, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। चलो अब चलते सीधा किचन में, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। देखते हैं कि लंच पे आज क्या बनेगा, चलो। आज खाना के लिए अलग से तो कुछ नहीं बनाई कुछ भी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा माखन, और मेरे पास ऐसे, इसको हम नकुल दाना बोलते हैं, ये है, तो यही क्यों ना भगवान को आज दिया जाए प्रसाद में। तो बस इतना ही मैंने किया। घर पे तो मम्मी बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ करती है, लेकिन आज मेरे तरफ से बस इतना ही। चलो हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। तो यहाँ पे नूडल्स रेडी है, और नूडल्स बनाने वाला भी रेडी है खाने के लिए। आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आपके तरफ से? यस, मेरे तरफ से, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने खाना स्टार्ट भी कर दिया बगल में बैठ के। हाँ, तो एक्चुअली जन्माष्टमी का एक चीज स्पेशल है, मेरे लिए तो स्पेशल है, वो है तालेर बड़ा, जो स्पेसिफिकली घर में, मीन्स मम्मी को पता रहता था कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बगल में कोई आके खड़ा हो जाएगा, कि फर्स्ट जो आएगा, मीन्स फर्स्ट तलने के बाद जो आएगा वो मेरे लिए। सिमिलर केस इनके लिए भी है। मेरा तो क्या बताऊँ आप लोगों के साथ, एक शेयर करूँ बातें, मजे की बात। मम्मी गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तालेर बड़ा, ओके। जो बंगाली है उनको तो मालूम है तालेर बड़ा, वरना मैं ना इधर में ताल का एक फोटो ऐड कर दूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो उस चीज का बड़ा बनता है, मतलब वो जूस निकाल के उसका बड़ा बनाते हैं, मालपुए टाइप का, लेकिन मालपुए बड़े बड़े, ये छोटे छोटे छोटे। तो मम्मी ना पहले मैं नहीं समझती थी, मैं बहुत, मुझे भी बहुत उस चीज का बहुत, हम दोनों का वो कॉमन चीज है कि खाने में हमको पसंद है। तो दो तीन ना ऐसे गिर जाते थे, मतलब कढ़ाई में जैसे वो तल रही है मम्मी, तो गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं दो चार बार वहां से घूमती रहती थी जहाँ पे वो भोग वगैरह बनाते थे, छोटी थी तो घूमती रहती थी, मम्मी कितना अच्छा खुशबू है, मम्मी मुझे ना ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ऐसा बोलती थी। और मम्मियों के लिए बच्चों में ही अपना कान्हा है, अपना राधा है, सभी अपने बच्चों में ही है। तो अभी फील होता है वो चीज, अभी फील करती हूँ, इनके लिए भी इनकी मम्मी बना के वो खिलाती थी, और मेरे लिए तो ऑब्वियसली। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे दो बार कोशिश किया, मैंने अपने स्टाइल से बनाया, झूठ नहीं बोलूंगी, अपने तरह से बनाया।
लेकिन मम्मियों के हाथ का अभी भी, मैं जब घर पे जाती हूँ तो सासू माँ, मेरी सासू माँ मतलब इनके मम्मी या मेरी मम्मी, जो जैसे बना के रखती है वैसा टेस्ट मैं कर, और सबसे सच्ची बात कि और मैं बनाना चाहती भी नहीं हूँ, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, अलग है उसका टेस्ट भी, अलग है सभी अलग है, और मम्मियों का हाथ का जो टेस्ट है ना वो अलग है, तो दो चार ऐसे ऐसे गिर जाते थे, फिर मम्मी बोलती थी लो गिर गया है ये तुम खा लो, अभी समझ में आता है कि वो ऐसे ही नहीं गिरते थे, वो जानबूझ के गिर जाते थे ताकि जो हम उनके आजू बाजू से घूम रहे हैं तो पहले हमारा मन हमारा पेट शांत हो, और फिर तो गोपाल जी को लिए तो जो अलग अलग बनता था बनता ही था, तो वो चीज बहुत मिस करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं। यहाँ पे उस हिसाब से जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ ये यादें जो मैं सुबह सुबह बोल रही थी ना, अच्छी यादें तो वो बहुत है। तो अभी क्या है कि एक तो 2016 में मुझे जॉब लगा था, तो मैं चला गया आसाम। तो ये जो सीजन है, मींस ये मींस जुलाई अगस्त का जो सीजन है, इस टाइम ही ये ताल का सीजन है। तो भाद्रो मासेर हाँ, ये तो ताल एक्चुअली क्या है कि इस टाइम में कोई ओकेशन तो होता नहीं है, और जन्माष्टमी में रहता भी है तो इस टाइम में लौट नहीं पाता हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा में लौटना होता है। तो इस टाइम वो मम्मी का हाथ का वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। पूजा में लौटते थे मींस सितंबर अक्टूबर में, हाँ, बट वो फ्रिज में मेरे लिए बना के रख देते थे। और लग अभी अभी भी लग रखते हैं। अभी क्या है कि 2019 में शादी हुआ, बट शादी के बाद अभी दो दो घर में बना के रखा जाता है कि हम दोनों लौटेंगे, दोनों घर में ही वो फ्रिज में बना के रख देते हैं कि मतलब ये चलो इनका इनके लिए जैसे मम्मी बना के रखते हैं, मेरे लिए भी मेरी मम्मी बनाते रहे, तो हम दोनों शेयर करके खाते हैं, हाँ मतलब यस। दोनों हाथ का ही हम दोनों घर पे टेस्ट मिल जाता एक्चुअली है। क्या है कि यहाँ पे हम बना तो रहे हैं कि लास्ट ईयर भी बनाए थे, इस साल भी बनाए थे, बट क्या है कि वो मम्मी का हाथ का जो फीलिंग्स है ना, अलग ही है, वो फीलिंग्स कुछ अलग ही है उसका हर किसी का, फेस हर किसी का मम्मी का हाथ का कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, सब कुछ ही स्पेशल होता है। तो चलो वही है, आज का दिन का स्पेशलिटी वही है कि सोचा कि थोड़ा शेयर कर लेते शेयर हैं। कर ले। ओके चलो। सो इट्स 3:51 और फाइनली हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, हम जा रहे हैं मंचेरियल डीमार्ट पे गणेश चतुर्थी की शॉपिंग करने, तो चलो आप सभी हमारे साथ, और लेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर अभी लेट करेंगे तो लौटने में भी ज्यादा लेट हो जाएगा। वैसे बहुत टाइम से इरन मैं बोल रहा है, देखो फेस कैसा बना रहा है, बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि चलो रेडी हो जाओ, लेकिन यस मैंने थोड़ा लेट किया। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. बढ़ गया कि हम बस पहुंच ही गए हैं और कुछ ही मिनट बाकी है, लेकिन अभी एक टी स्टॉल पे ऐसे खड़े हो गए, थोड़ा सा वेट करेंगे। और हिरन भाई की हालत देखो, पूरा भीग गया है, रेनकोट है लेकिन नहीं पहना, और हमारी चाय। What is it we chase? Call for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. फाइनली डीमार्ट का काम हो गया है और उसके बाहर हम अभी खा रहे हैं सॉफ्टी और पॉपकॉर्न। सॉफ्टी की हालत देखो। तो
ये खाते हैं, फिर घर पहुंचेंगे। रात हो गई है, रात नहीं शाम हो गई है, 7:30 हो गया है टाइम। चॉकलेट प्लस वैनिला सॉफ्टी, इसको सॉफ्टी नहीं बोलते ना, इसको तो आइसक्रीम ही बोलते हैं। सॉफ्टी है। और ये है चीज वाला पॉपकॉर्न। It's exactly 9:35 और हिरन माई को ऑफिस जाना है और हम पहुंचे करीबन 9:15 तक। और इधर में कुछ सामान है, इधर में कुछ कुछ सामान है इधर में, तो क्या है क्या नहीं वो तो बाद में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। फिलहाल बताती हूँ, हिरन माई को जाना है ऑफिस, तो आके ही सबसे पहले रात के खाने की तैयारी करने में लग गए और उसके साथ थोड़ा सा भगवान जी को भी थोड़ा सा दियावाती कर लिया। और बस इतना ही, ये वाला व्लॉग और क्या ही करूँ, और मतलब पॉसिबल भी नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। सब अच्छे से रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। और हाँ, अगर इस व्लॉग पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।